ठीक है और आपको सेकंड वर्स एट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी तो देखिए यहां हम क्या कर सकते हैं थ्री पावर टू एन जो हमारे पास चल रहा है तो इस थ्री पावर टू होल पावर एन ऐसा मैं इसको नोट कर सकता हूं तो ये बन गया नाइन पावर एट है ना नाइन पावर एन बाई एट कैर इसको हम नोट कर सकते हैं पर नाइन को एट प्लस वन होल पावर एन बाई एट ठीक है अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसका एक्सपेंशन करते हैं जी जो आपके पास ट्यूमरेटर में चल रहा है तो एक्सपेंशन करेंगे सिंपल कैसा एक्सपेंशन होगा एनसी जीरो जो पहले आपके पास चल रहा है उसकी पावर जीरो और पीछे वाले की पावर एन और उल्टा भी कर सकते हैं आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसको सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं ये से स्टार्ट कर दें और वन की पावर कितना जीरो क्लियर फिर नेक्स्ट टाइम आएगी आपके पास यहाँ पर एन सी वन एट की पावर वन डिक्रीज होगी वन की पावर एक इंक्रीज होगी ठीक है फिर एन सी टू एट की पावर एक और आपके पास डिक्रीज़ होगी वन की पावर एक इंक्रीज़ होगी और ये चलता रहेगा हमारे पास कहाँ तक एन सी एट तक एट की पावर आपके पास डिक्रीज़ होती होती जीरो और वन की पावर इंक्रीज़ होती होती है हमारे पास एन हो जाएगी और ये देखो एन चल रहा है तो एन चल रहा है तो फिर ये -N एन सी एन तक जाएगा ठीक है एन सी एन तक एन की एट की पावर डिक्रीज़ होते होते जीरो और वन की पावर इंक्रीज़ होते होते एन हो जाएगी क्लियर यहाँ बात करें हम देखें आपके पास ये वन बाई एट यहाँ पे चल रहा है आपके पास देखो वन की पावर की तो बात करने का मतलब नहीं क्योंकि वन की कितनी पावर हो वो तो वन ही देगा ठीक है आपके पास इनमें अगर हम बात करें सभी में एट तो चली रहा है लास्ट टर्म को छोड़ के सभी टर्म में आपके पास एट चल रहा है लास्ट टर्म को छोड़ के तो देखो क्या होता है अगर मैं इस एट को अंदर लेके भी जाता हूँ तो क्या बनता है हमारे पास चलो मैं इस एट को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ देखें आपके पास सबसे पहले एन सी जीरो एट की पावर कितना बनेगा एन माइनस वन यही बनेगा ठीक है वन तो नोट करने का मतलब नहीं है एन सी वन एट की पावर एन माइनस टू एन सी टू एट की पावर एन माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर और ऐसे चलते चलते जब आप लास्ट टर्म पे पहुँचोगे इसी में आपके पास बस एट की पावर नहीं आएगी है ना मतलब आपके पास वन अपॉन्ट एट रहेगा बाकी इससे पहले भी अगर आप बात करोगे इससे जस्ट पहले वाली टर्म कैसी होगी देखो ये डेच डेस चल रहा है इससे जस्ट पहले वाली टर्म में एन सी एन माइनस वन आ रहा होगा एट की पावर वन आ रहा होगा उसके साथ एट कैंसिल होगा तो वन आएगा ठीक है और ये टर्म आपके पास ऐसी रहेगी जिसमें कितना आएगा इस टर्म में आपके पास आएगा यहाँ पर वन बाई एट एन सी एन कितना होता है वन होता है एन सी एन वन और वन की पावर कितना हो जाएगा वन की पावर एन तो वन ही होता ठीक है यहाँ पे आपके पास इससे जस्ट पहले जो टर्म थी उसमें एट की पावर वन थी तो उस एट से एट कैंसिल हो गया ये आप सोल्व कर रहे थे किसको थ्री पावर टू एन बाई एट को थ्री पावर टू एन बाई एट ठीक है अब आपके पास देखो आपको बताना है यहाँ क्या ये चल रहा है थ्री पावर टू एन बाई एट कर्डी ब्रैकेट में तो ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है ना कर्ली ब्रैकेट क्या बता हुआ थ्री पावर टू एन बाई एट का फ्रैक्शनल पार्ट देखें हम तो देखो ये जो फर्स्ट टर्म है तो इंटीजर रहेगी सेकेंड टर्म भी इंटीजर रहेगी थर्ड टर्म भी इंटीजर रहेगी ऐसा सभी टर्म से इंटीजर रहेगी ये टर्म देख लो ये भी इंटीजर रहेगी आपके पास लेकिन ये जो लास्ट वाली टर्म है ये इंटीजर नहीं है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास कितना वन बाई एट क्लियर और हमको क्या फाइंड करना है ये इक्वल चल रहा है थीटा के इसका मतलब थीटा आ गया कितना वन बाई एट हमको फाइंड करना है यहां पर सेक इनवर्स एट थीटा ठीक है सेक इनवर्स एट थीटा फाइंड करना है तो सेक इनवर्स थीटा की वैल्यू जब आप वन बाई एट पुट करोगे तो वन रह जाएगा और सेक इनवर्स में आपके यहाँ सेक में वन कब मिलता है जीरो पे मिलता है सेक इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है क्योंकि सेक जीरो वन होता है तो सेक जीरो अगर वन है तो सेक इनवर्स वन कितना होगा जीरो होगा तो ये आंसर ऑप्शन में देख ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट ऑप्शन क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स, आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर